अब्दुल कादर हसन एक राइटर थे, शायद आप लोग जानते होंगे, गैर सियासी बातें लिखा करते थे, जंग अखबार में थे, फिर उसके बाद ये एक्सप्रेस वगैरह में, बड़े पुराने लिखारी थे ये। उन्होंने एक मजमून लिखा था IMF के हवाले से, कहते हैं कि मैं ये वस्ती रियासतों में से एक रियासत में गया तो वहां बाकायदा मुझे पता चला कि यहां IMF का वफद आया है और उनको मुख्तलिफ किस्म के अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि जी हमसे तुम कर्जा ले लो, जैसे अल्लाह माफ करे हम भी उसको क्या कहते हैं, पैकेज ले लो, हम आपको बड़ा अच्छा पैकेज देंगे। हमारे हुक्मरान भी कहते हैं ना, हम बहुत अच्छा पैकेज लेके आए आपके लिए। सुभान अल्लाह, क्या अल्फाज का हेर फेर है, कौम को फुद्दू बनाया हुआ कि क्या है जी, हम पैकेज लेके आया है। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए हम सबको, पैकेज नहीं सूद लेकर आए कौम को तबाह करने के लिए, अपने अय्याशियों पर लगाने के लिए। तो जैसे हमारे मुल्क में बैंक हैं, अगर आपका माशाल्लाह कोई अच्छा कारोबार है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतरीन कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वाकर क्या कहते हैं, और जी क्या छोटी सी दुकान है आपकी, तो बड़ा काम करें हम आपको पैकेज देते। उनको पता है कि ये मुर्गी मोटी सामी है, अगर ये हमारे हाथ लग गई तो ये छोटा मोटा कारोबार ही है आहिस्ता आहिस्ता। और अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, जो बेचारे इनकी बातों में आ जाते हैं वो सब कुछ गिनवा बैठते हैं, तबाह हो बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, इनकी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। ये सारे के सारे वो आलमी इस्तेमार के एजेंडे के तहत काम कर रहे होते हैं। और आपको जी बस ये, आप लोगों के पास भी मैसेजेस आते होंगे, हमारे पास भी आते हैं, सिर्फ एक मिनट के अंदर आपको इतना लोन मिल सकता है और बैंक में आने की भी जरूरत नहीं है, बैठे बैठे बस बटन दबाए और आपको लोन मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए फरमाए। ये सारा सूदी निजाम है, और सूद क्या है, बस सिर्फ इस एक बात से अंदाजा लगा लें कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, बदकारी बदकारी है, किसी के साथ भी हो लेकिन अगर माँ के साथ हो, हाँ यह उससे बढ़कर गुनाह है। हमारी हुकूमतों पर अल्लाह की ऐसी लानत बरस रही है कि कोई टस से मस नहीं हो रहा। कई मरतबा ये फैसले आ चुके हैं, कोई उसके खिलाफ क्या ले रहा है, स्टे ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मुख्तलिफ बहाने बनाए जा रहे हैं कि नहीं जी सूद के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। कुरान कहता है ला ताकुलु रिबा अदआफा मुदाअफा, सूद दर सूद मत लो, सूद मत खाओ, वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो। और यहां पर तो सिर्फ इतना है, सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं फइल्लम तफअलू फअज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिह, और अगर तुम ये बात नहीं करते हो, अगर तुमने सूद नहीं छोड़ना, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने और जंग के लिए तैयार हो जाओ।